हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच डी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में एंड एच डी अपडेट्स फेसबुक पेज में। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 38 मैच चल रहा था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 6 नवंबर को, और इसी मैच के दौरान श्रीलंकन ऑलराउंडर प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट घोषित किया गया। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्लेयर को टाइम आउट द्वारा डिसमिस किया गया है। आखिर ये टाइम आउट है क्या, चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मैच के दौरान 24th ओवर में बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब अल हसन ने श्रीलंकन बैटर समारा विक्रमा को आउट कर दिया, और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज जो कि अगला बैट्समैन था वो क्रीज में आ रहा था। मैथ्यूज क्रीज पे आते ही जब अपना हेलमेट का स्ट्रैप टाइट किया तो वो टूट गया, तो इसकी वजह से मैथ्यूज ने दूसरा हेलमेट लाने के लिए बोला। तो इस दौरान एक बांग्लादेशी प्लेयर कैप्टन शकीब अल हसन को बोला कि आप टाइम आउट क्यों अपील नहीं करते कंपेयर के पास, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज जो है बहुत टाइम ले रहा था, लेट हो रहा था। तो शकीब अल हसन ने अंपायर जो था मारस इरस्मास उनके पास जाके टाइम आउट के लिए अपील किया, और अंपायर ने भी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट घोषित कर दिया। इसका मतलब है एंजेलो मैथ्यूज कोई बॉल नहीं खेला, बिना बॉल खेले एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया, और ये वाला आउट भी बॉलर के पास नहीं जाएगा, बॉलर को काउंट नहीं होगा, ये आउट टीम को जाएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है और ये रूल के अंदर ही है। आईसीसी रूल के अनुसार कोई बैट्समैन अगर आउट होता है तो उसके आउट होने के ठीक 2 मिनट के अंदर आपको क्रीज में आके नेक्स्ट बॉल फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, एंजेलो मैथ्यूज रेडी ही था पर उनका जो हेलमेट का स्ट्रैप लगाने के टाइम पे टूट गया और उसको चेंज के चक्कर में डिले हो गया, और इस बीच में शकीब अल हसन ने टाइम आउट के लिए अपील कर दिया और अंपायर ने भी उसको आउट करार दे दिया। एंजेलो मैथ्यूज ने कई बार अंपायर को रिक्वेस्ट किया, अंपायर को समझाने की कोशिश की कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें इक्विपमेंट मेल फंक्शनिंग हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के लेट नहीं कर रहा था। पर अंपायर ने कहा ये अपील बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन ने किया है, तो आप उनको जाके बोलिए, वो अगर अपील विड्रॉ कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। एंजेलो मैथ्यूज ने बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन को भी जाके समझाने की कोशिश की, लेकिन शकीब अल हसन ने बताया कि ये रूल है और हम लोग रूल के अंदर ही चल रहे, तो आप अंपायर के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, अंपायर जो बोल रहे वो आउट है तो आउट है। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बहुत ही निराश होकर पवेलियन की तरफ चलते गए और गुस्से में अपना हेलमेट ज़ोर से फेंक दिया। तो दोस्तों, ये था मैटर जो कि बांग्लादेशी टीम द्वारा अपील किया गया था, नहीं तो अंपायर शायद इसको आउट देते भी नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत मैचों में होता है, थोड़ा इधर उधर टाइम कम ज़्यादा लग जाता है। पर ये जेन्युइन मैटर था, कोई इक्विपमेंट मेल फंक्शनिंग की वजह से ये हुआ, पर ये एंजेलो मैथ्यूज का कोई गलती नहीं था। फिर भी एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये सोचना चाहिए था शकीब अल हसन को कि ये आउट की अपील ना भी किया जा सकता था। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट करके बताइए। इसके बारे में और कुछ जानकारी के लिए कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।